नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी में दैवी शक्ति है, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा। सरकार को तोड़ सकने की हैसियत रखने का दावा करने संबंधी अपने कथित बयान को लेकर विवादों में घिरे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपना सुर बदलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें दैवी शक्ति चाहिए बताया है। पांच बार के सांसद साक्षी महाराज ने एक मीडिया साक्षात्कार में कहा था कि मोदी को एक ओर अर्थव्यवस्था पर तथा दूसरी ओर हिंदू एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि मैं सरकार बना या तोड़ सकता हूं, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने सरकार को कोई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए मोदी के पास जो विचार हैं और विश्व में उनका जो स्थान है वह किसी आम आदमी के लिए सोचना भी संभव नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा का भाजपा को समर्थन। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने 7 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज भाजपा को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। डेरा की राजनीतिक मामलों की इकाई के अध्यक्ष राम सिंह ने बताया कि डेरा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह समर्थन अकाली दल के उम्मीदवारों के लिए भी है, उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में अनुयायी रखने वाले डेरा का दावा है कि दिल्ली में उसके करीब 20 लाख अनुयायी हैं, जिनमें से 12 लाख मतदाता हैं। दिल्ली चुनाव मोदी सरकार पर जनमत संग्रह नहीं, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक साक्षात्कार में कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वेंकैया ने कहा कि यह मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं। नायडू ने कहा कि यह चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि केजरीवाल कौन है, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, सब जानते हैं कि क्या हुआ था, यहाँ भी वही बातें होने जा रही हैं। स्टंट पर यूपी सरकार की फिल्म सेंसर बोर्ड को नसीहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सुझाव दिया है कि वह बॉलीवुड फिल्मों में दोपहिया या चार पहिया वाहनों पर कलाकारों के स्टंट सीन काट दे या फिर उनमें वैधानिक चेतावनी जारी करे। उत्तर प्रदेश के यातायात आयुक्त रविंद्र नायक ने कहा कि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो बाइक और कार पर स्टंट कर रहा है, ऐसे दृश्यों को देखकर युवा भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं और अक्सर जान गंवा बैठते हैं। नायक ने कहा कि मैंने सेंसर बोर्ड के मुख्य कार्याधिकारी को सुझाव दिया है कि ऐसे दृश्य फिल्मों में ना दिखाए जाएं। नायक ने इस संबंध में बोर्ड को पत्र भी लिखा है। इंटरनेट की लत से मुक्ति के लिए अपना हाथ काटा। चीन में एक किशोर इंटरनेट की अपनी लत से इतना तंग आ गया था कि उसने इससे मुक्ति पाने के लिए छुरे से अपना बायां हाथ काटकर अलग कर दिया। जियांगसू प्रांत के नानतोंग निवासी एवं हाई स्कूल का छात्र शियाओ वांग डॉक्टरों द्वारा सफलतापूर्वक उसका हाथ जोड़े जाने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। उसने गत रविवार एक बस स्टॉप के पास पत्थर की एक बेंच पर हाथ रखकर छुरे से इसे अलग कर दिया। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार इसके बाद वह कैब से नानतोंग यूनिवर्सिटी से संबद्ध अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसका हाथ जोड़ने के लिए 10 घंटे तक आपातकालीन सर्जरी की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।